वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल AJDG सॉल्यूशन में। प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी कम्युनिकेशन सिस्टम की, उसमें हम लोगों ने AM जो हमारा मॉड्यूलेशन था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि जो AM सिग्नल है उसमें मॉड्यूलेशन किस तरीके से होती है, आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है और कैरियर सिग्नल क्या होता है, और उसके साथ जो आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी जो वेवफॉर्म्स हैं वो क्या होती है, वो हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था। उसकी जो पावर है वो भी हमने कैलकुलेट की थी और कुछ उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल थे वो भी हमने देखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे, ठीक है। ये भी आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन ही है। इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका क्या होता है। देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड है किसका, कैरियर वेव का, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। इसमें भी डेफिनेशन सेम ही है, क्या है कि ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका मैसेज सिग्नल है और ये आपका कैरियर सिग्नल है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल है, इज वेरी अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ये देखो, ये आपका फाइनल FM सिग्नल है कि जो फ्रीक्वेंसी है, यहां पे देखो आपका एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से था कैरियर सिग्नल, यहां पे क्या हुआ, जैसे ही आपका जो AM सिग्नल है, सॉरी मैसेज सिग्नल है, वो आपका एम्पलीट्यूड चेंज करता है, उसके साथ साथ आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर की वो भी चेंज होती है। देखो, यहाँ पे कुछ ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फिर यहाँ पे ज्यादा हो गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई आपकी FM की, FM की डेफिनेशन क्या हुई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरी अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। तो FM की डेफिनेशन क्या हुई कि जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो भी हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि आपका जो FM सिग्नल है वो क्या होता है, उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मॉड्यूलेशन है उसकी अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूं तो आपको जनरल सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले उसकी वोल्टेज की इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन क्या है इसकी, ये वी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, v इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो थीटा आपका होता है वो एंगल होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको डिराइव करने का भी टाइम नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये चीजें आपको याद करनी है। क्या, वोल्टेज की इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ये एंड एंगुलर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, या उसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो ये है, वो क्या है आपकी, ओमेगा सी ब्रैकेट वन प्लस में के वी एम कोस ओमेगा टी। अगर हम यहां पे बात करें, ये आपका कॉन्स्टेंट है, वी आपका, ये आपका वोल्टेज है, कौन सा एम्पलीट्यूड वोल्टेज है, या आप एम्पलीट्यूड लगा सकते हो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, ये आप बोल सकते हो ये Vm है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे जो थीटा है इसको डिराइव करता हूं, ये जो आपका थीटा है अगर मैं इसको डिराइव करता हूं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं ओमेगा की जगह पे ये वैल्यू पुट करता हूं, ओमेगा सी वन प्लस में के वी एम कोस ओमेगा एम टी डी। अब ओमेगा सी क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो ओमेगा सी यहां पे अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा वन प्लस में के वी एम कोस ओमेगा एम टी डी टी। अब यहां पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसका क्या होगा, के वी एम कोस ओमेगा आपका हो जाएगा साइन ओमेगा, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय ये आपका जो भी कांस्टेंट यहां पे होता है वो डिवाइड में भी आता है आफ्टर इंटीग्रेशन। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन हो गया इसका,
मल्टीप्लाई में क्या है ओमेगा सी। अब इसको मैं ओमेगा सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो थीटा आपका हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के वी एन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइड बाय ओमेगा एन। तो ये आपका हुआ। यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो आपका ओमेगा सी है वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो एफ सी होगा, ऐसे ही ओमेगा एम है वो किसके इक्वल होगा एफ एम। तो यहां पे एक टर्म्स आती है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब फ्रीक्वेंसी डेविएशन है ये भी एक नया फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के वी एम एफ सी, के वी एम एफ सी। तो ये आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो डेल इज इक्वल टू के वी एम एफ सी। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो कुछ आपकी यही वाली टर्म्स हैं, तो दैट इज इक्वल टू डेल। तो अब आपका क्या होगा यहां पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस में डेल ओमेगा एम साइन ओमेगा सी टी। तो ये आपका यहां से थीटा जो है फाइनल आ गया। अब इस थीटा को अगर मैं यहां पे वोल्टेज वाली इक्वेशन में पुट करता हूं यहां पे इस थीटा की जगह पे, तो यहां से जो जर्नल इक्वेशन है वोल्टेज की वो क्या आएगी ए साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा सॉरी थीटा की जगह पे क्या आएगा ये ओमेगा सी टी प्लस डेल ओमेगा एम साइन ओमेगा सी। तो ये आपकी जर्नल इक्वेशन है किसकी एफ एम की, ये आपकी क्या है जर्नल इक्वेशन आ गई एफ एम की। जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम बोलते हैं एफ एम की वही आ गई। यहां पे बच्चों आपने एक चीज देखा कि ये डेल अपॉन में ओमेगा एम, या हम इसको एफ एम भी बोल सकते हैं एफ एम, ये एक नई टर्म आई है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इन केस ऑफ एफएम जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो आपका क्या होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो एफएम के अंदर हम लोगों ने जो मेन मेन टर्म्स थी वो देख ली, उसका डेविएशन क्या होता है, उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके एक दो क्वेश्चंस हैं हम लोग वो देखेंगे। आई होप आपको ये जो एफएम सिग्नल का बेसिक्स जो है वो समझ में आया होगा कि क्या आपका जो है एफएम सिग्नल होता है। अब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।